अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्पिता तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास खबरों से। सांसद का निलंबन नहीं होगा वापस, सभापति द्वारा मांग खारिज करने के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने जताई चिंता, अफ्रीकी देशों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। ट्विटर पर 6 महिला सांसदों के साथ सेल्फी पोस्ट करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर हुए ट्रॉल, सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दिया करारा जवाब, कहा राजेश नागर सेल्फी वास्तव में मैंने ली थी, शशि थरूर ने नहीं। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता जल्द होगी कम, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, कहा कार निर्माताओं को 100% बायो एथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। सड़क की चौड़ाई 12 से 16 मीटर से घटाकर 8 से 10 मीटर कर रही थी केरल सरकार, हाईकोर्ट ने कहा पैसों की कमी बताकर सड़क की चौड़ाई कम करना सही नहीं होगा, इस पर पुनः विचार करें। अनुच्छेद 370 के नाम पर गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 शुरू करेगी भाजपा, अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में होगा आयोजन। बैंक के खिलाफ होर्डिंग्स लगवाने के चलते नवाब मलिक आए निशाने पर, कोऑपरेटिव बैंक ने मानहानि का मामला किया दायर, कोर्ट ने जवाब के लिए 6 हफ्ते दिए। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में मचा हड़कंप, सरकार सतर्क, आज राज्यों के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य सचिव। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, आरोप लगाकर कहा ममता के भतीजे को ईडी द्वारा कॉल किया गया था, डील के दौरान उनके भतीजे को छोड़ दिया गया। लखनऊ में भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार रणनीति पर करेंगे चर्चा। फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस और बिग बॉस की फेम निकी तंबोली पार्टी में कपड़ों की वजह से हुई ट्रोल, ट्रोलर्स ने उर्फी जावेद से कर दी तुलना। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव जारी, भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कसा तंज, कहा सोनिया गांधी का ये नाटक हुआ पुराना, अब ममता विपक्ष को करेंगी लीड। कंगना रनौत को मिली जान से मारने की धमकी, कंगना बोली देश के लिए बलिदान भी देना पड़े तो मंजूर। अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे प्रमोशन के लिए पहुंची सारा अली खान, के बॉडीगार्ड ने पेपराजी को दिया धक्का, बॉडीगार्ड को वार्न कर पेपराजी से मांगी माफी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के इच्छुक नेताओं ने पेश की अपनी दावेदारी, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय कमेटी टिकट बंटवारे पर करेगी अंतिम फैसला। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।